बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हू मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, होपफुली यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू साइंस क्लास स्टूडेंट, आज हम साइंस का 9 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 2 एनवायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। वर्कबुक के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उसे आज हम सॉल्व करेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो वर्क बुक के पेज नंबर 18 और 19 पर क्वेश्चन आपको गिवन है, सर्कल द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, उसके ऑप्शन आपको गिवन है, जो स्टेटमेंट आपको लगती है करेक्ट है उस पर आपने सर्कल करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट डाइवर्सिटी। आपको बताना है कि वो कौन सी दो स्टेटमेंट है जो डाइवर्सिटी के अबाउट ट्रू नहीं है। नंबर ए, इफ़ आ हैबिटेट इज डाइवर्स, अगर हैबिटेट डिफरेंट हैं, डाइवर्स हैं, देन एनिमल एंड प्लांट विल बी एबल टू सर्वाइव, तो प्लांट और एनिमल सर्वाइव करने के काबिल हैं। तो स्टूडेंट ये तो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसके अबाउट ट्रू है। नंबर बी आपके पास, इफ़ आ हैबिटेट इज डाइवर्स, अगर हैबिटेट डिफरेंट हैं, मैनी टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट कैन लिव इन इट, तो बहुत सी किस्म के एनिमल और प्लांट वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। नंबर सी, इफ़ आ हैबिटेट इज डाइवर्स, अगर हैबिटेट डाइवर्स है, एनिमल एंड प्लांट विल फेस कंपटीशन, तो एनिमल और प्लांट को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, मींस एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। स्टूडेंट जब हैबिटेट डाइवर्स हैं, डिफरेंट हैं, हर एनिमल या प्लांट अपने अपने हैबिटेट में रहना पसंद करेंगे तो कंपटीशन तो नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नंबर डी, इफ़ अ हैबिटेट इज़ डाइवर्स, अगर हैबिटेट डाइवर्स है, एनिमल एंड प्लांट कांट सर्वाइव टुगेदर, तो एनिमल एंड प्लांट एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट ऐसी हैं जो डाइवर्सिटी के अबाउट करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। द राइट आंसर इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है। नंबर ए, ह्यूमन नेवर गो टू अदर हैबिटेट, ह्यूमन कभी भी दूसरे हैबिटेट को विजिट नहीं करते, स्टूडेंट ये तो करेक्ट नहीं है। एनिमल्स नेवर लीव देयर हैबिटेट्स, एनिमल्स कभी भी अपने हैबिटेट को नहीं छोड़ते, नहीं लीव करते, ये भी करेक्ट नहीं है। नंबर सी, ह्यूमंस गो टू अदर हैबिटेट फॉर फन एक्टिविटीज, ह्यूमन अदर हैबिटेट को विजिट करते हैं फॉर फन एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो दिस इज करेक्ट। नंबर डी, एनिमल्स ऑलवेज हैव देयर फूड सप्लाईज इन देयर हैबिटेट, एनिमल ऑलवेज अपनी हमेशा जो है अपनी फूड अपने ही हैबिटेट में सप्लाई करते हैं, ये भी करेक्ट नहीं है स्टूडेंट। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ पीपल हु लिव बिफोर अस हैड कट डाउन ट्रीज द रिजल्ट वुड बी, वो लोग जो हमसे पहले रहते थे अगर वो ट्रीज को कट डाउन, उनको बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म कर देते तो रिजल्ट क्या होता। नो फ्रेश एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए ताज़ा हवा ना होती। नंबर बी, मैनी एनिमल्स वुड हैव नो वेयर टू लिव, तो एनिमल्स के लिए रहने के लिए जगह ना होती। नंबर सी, देयर वुड नॉट बी इनफ वुड टू बिल्ड हाउसेस, हाउसेस बिल्ड करने के लिए वुड हमारे पास काफ़ी ना होती। नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, तो स्टूडेंट आपको पता है, आपको लग रहा है कि ए बी सी जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, अगर कट डाउन कर दिए जाते ट्रीज तो ये तीनों चीज़ें हमें अपना मिल रही होती, तो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंजर्वेशन मीन, कंजर्वेशन का मतलब क्या है। मिसमैनेजिंग द अर्थ रिसोर्सेज, अर्थ रिसोर्सेज को मिसमैनेज करना, उसका गलत उसको मैनेज करना। नंबर बी, प्लूटिंग द रिवर्स एंड स्ट्रीम, क्या स्ट्रीम और रिवर्स को प्लूटिंग प्लूटेड करना या उसमें पोल्यूशन करना।
नंबर सी प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। नंबर डी कटिंग डाउन ट्रीज, ट्रीज को कट डाउन करना। कंजर्वेशन का हमने इसकी डेफिनेशन को रीड आउट किया था, उसका मतलब है द राइट आंसर इज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, उसको इम्प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्कल टू एग्जांपल्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज, आपको कुछ एग्जांपल गिवन है, आपको बताना है कि उनमें से दो कौन से एग्जांपल्स हैं जो नेचर रिसोर्सेज हैं। सनलाइट, नंबर बी गैस, नंबर सी इलेक्ट्रिसिटी, नंबर डी मेडिसिन। तो आपको कौन से ऑप्शन लगते हैं कि वो नेचर रिसोर्सेज है? तो आपको स्टूडेंट पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन हो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन की क्रिएशन है, तो नेचर रिसोर्सेज क्या होंगे? सनलाइट एंड गैस, ये ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल टू आइटम दैट आर नॉट नेचर रिसोर्सेज, आपको कुछ आइटम गिवन है, आपको बताना है कि कौन से वो दो आइटम है जो नेचर रिसोर्सेज नहीं हैं। रेन, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथ्स, विंड। तो कौन सी दो स्टूडेंट रिसोर्सेज हैं या आइटम्स हैं जो नेचर रिसोर्सेज नहीं हैं? स्टूडेंट रेन तो नेचुरल है और विंड भी नेचर रिसोर्स है, तो कौन सी वो दो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन मेड है या ह्यूमन की क्रिएशन है? इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लोथ। द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विच नेचर रिसोर्स इज यूज टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए कौन सी नेचर रिसोर्स को यूज किया जाता है? नंबर ए वाटर, नंबर बी ट्रीज एंड प्लांट, नंबर सी कॉल, नंबर डी विंड। तो स्टूडेंट आपके ख्याल में कौन सी नेचर रिसोर्स को यूज किया जाता है? द राइट आंसर इज ट्रीज एंड प्लांट। प्लांट और ट्रीज को क्लॉथ्स रेडी करने के लिए, बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट प्लांट्स आर ग्रोन यूजिंग, प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए किन चीज़ों को यूज करते हैं? नंबर ए वाटर, नंबर बी मिनरल्स, नंबर सी ऑयल, नंबर डी बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स आपके ख्याल में प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, सॉइल से क्या रिसीव कर रहे हैं? वाटर एंड मिनरल्स। तो राइट आंसर इज डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स, स्टूडेंट्स वो रिसोर्स आपको बतानी है जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, जिसे दोबारा क्रिएट किया जा सके, जो कभी ख़त्म ना हो। नंबर ए कॉल, नंबर बी ऑयल, नंबर सी द सन, नंबर डी मिनरल्स। तो ऐसी कौन सी रिसोर्स आपको नज़र आ रही है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी? तो राइट आंसर इज सन। क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं, नंबर 1 कैन बी रीयूज्ड, वो रिसोर्सेज हैं जिसने दोबारा यूज़ किया जा सके, नंबर बी आर रिप्लेस लोअर देन देयर यूसेज, अगर उन्हें यूज़ करते रहें मुसलसल तो क्या वो कम होती जाएंगी, नंबर सी आर पॉसिबल टू रीग्रो, या उसे रीग्रो करना पॉसिबल होगा, दोबारा हम उसे ग्रो कर सकते हैं, नंबर डी कैन बी यूज कंटिन्यूसली, या हम उसे मुसलसल यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्टूडेंट वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें तो वो कम होती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म होती हो जाएंगी। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज बी कि हम उसे यूज़ करते रहेंगे तो वो कम होती जाएंगी। स्टूडेंट वर्क बुक के पेज नंबर 22 पर आपको नेचर रिसोर्सेज क्रॉसवर्ड गिवन है, पहले चैप्टर में भी हमने क्रॉसवर्ड सॉल्व किया था, तो अब आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ये वर्टिकल लाइंस हैं, डाउन में जो आप कौन से गिवन होंगे वो इसमें आपने पुट करने हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो अक्रॉस में जो आप कौन से गिवन होंगे वो आपने इसमें पुट करने हैं। नंबर आपको नंबर से पता चल जाएगा, जो नंबर यहाँ गिवन है वही अक्रॉस डाउन में भी गिवन है, आपने वो पुट करने हैं इसमें। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट, वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
6 है आपके पास, डैश कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी बट इट्स नॉट नॉन रिन्यूएबल। वो रिसोर्स कौन सी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं बट वो नॉन रिन्यूएबल है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कोल। कोयले को भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं बट आपको पता है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये ख़त्म हो जाएगी। द टाइप ऑफ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन, वो एनर्जी जो हम सन से रिसीव कर रहते हैं, जो हमें सन से मिली होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। डाउन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फाउंड डीप इन द ग्राउंड, वो रिसोर्सेज जो ग्राउंड में गहराई में पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेचर रिसोर्सेज आर ओनली दोज थिंग दैट आर डैश टू ह्यूमन, नेचर रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन को, ह्यूमन के लिए क्या हैं? यूजफुल हैं। नंबर 3, आर नेचर रिसोर्स यूज टू बिल्ड फर्नीचर एंड हाउसेस, वो कौन सी रिसोर्स है स्टूडेंट जिसको हम हाउसेस बिल्ड करने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कौन सी है वो? ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचर रिसोर्स विच इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए हम कौन सी नेचर रिसोर्स को यूज़ करते हैं? गोल्ड। नंबर 7 है, आर नेचर रिसोर्स दैट वी नीड फॉर ड्रिंकिंग वॉशिंग एंड ट्रांसपोर्ट, वो कौन सी नेचर रिसोर्स है स्टूडेंट जिसे हम ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए और ट्रांसपोर्ट में भी इवन यूज़ कर रहे होते हैं? तो द राइट आंसर इज वाटर। इट्स टाइम टू होम असाइनमेंट, ड्राइंग टाइम। स्टूडेंट पेज नंबर 37, कोर्स बुक के पेज नंबर 37 पर आपको हैबिटेट ड्रॉ करने हैं। 2 टाइप्स के आपने हैबिटेट ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पर आपने वो हैबिटेट ड्रॉ करना है जिसके लुक आफ्टर किया जाता हो, जिसकी देखभाल की जाती हो, जिसको इम्प्रूव किया जाता हो, जिसके मतलब जिसको क्लीन रखा जाता हो, इस तरह का, और जिसमें हैप्पी पीपल लिव कर रहे हों, और मतलब बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट आपने ड्रॉ करना है। और उसके नीचे आपको जो स्पेस गिवन है उसमें आपने ऐसा हैबिटेट ड्रॉ करना है जिसको लुक आफ्टर ना किया जाता हो, जिसको इम्प्रूव ना किया जाता हो, तो मीन्स आपने एक बैड हैबिटेट ड्रॉ करना है जिसमें पोल्यूशन हो, इस तरह का हैबिटेट आपने ड्रॉ करना है। सेकेंड असाइनमेंट है आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 22, वर्कबुक। वर्कबुक का पेज नंबर 22 पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, वो आपने सॉल्व करना है। 2 कॉलम्स आपको गिवन है, फर्स्ट कॉलम में आपको नेचर रिसोर्सेज की पिक्चर गिवन है और सेकंड कॉलम में आपको उसके यूजेस बताए गए हैं, उसकी पिक्चर आपको गिवन है कि उस नेचर रिसोर्स को किस तरह यूज़ किया गया है। स्टूडेंट आपको क्ल्यू भी गिवन है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, इसके हेल्प से आप उसको मैच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स योर ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।